इससे हम जो हमारे पास ट्रिक है उसे हम दो माध्यम से देखेंगे, पहला चार्ट वन और चार्ट टू। चार्ट वन में हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मोडाल है। यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब में डू या डज है तो उसे आप इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। इज एम आर है तो इज एम आर प्लस बींग, हैज या हैव है तो हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन है दिस इज नो चेंज, यह चेंज नहीं होगा। आपके पास डीड है तो वाज या वर, वाज या वर है तो वाज या वर प्लस बींग, हैड है तो हैड बीन, और आपके पास यदि हैड बीन है तो दिस इज नो चेंज, यह परिवर्तन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपके पास सेल बिल है तो उसके साथ हम बी लगा देंगे, सेल बिल प्लस बी। कोई भी मोडाल है तो उसके साथ भी आएगा मोडाल प्लस बी, और यहाँ पे आएगा एक सेल या बिल प्लस हैव, तो उसको इसी तरह करेंगे, सेल या बिल प्लस हैव प्लस बीन। तो ये आपका हो गया एग्जुलरी वर्ब। जो आपका एग्जुलरी वर्ब है वो उसे आप किस प्रकार पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे वो चार्ट वन में आप देखें। चार्ट टू में आप देखिएगा, यदि आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे वो आइए देखते हैं। यदि ही रहेगा आपके पास तो बाई हिम, सी रहेगा बाई हर, इट रहेगा वाई इट, यदि आपके पास नेम रहेगा तो बाई नेम, बी है तो बाई एस, आई बाई मी, यू बाई यू। आइए इसे कुछ यहाँ पे देखते हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसे पैसिव में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो इधर मैंने आपको चार्ट वन में बताया था, हेल्पिंग वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे उसको फिर वर्ब को कन्वर्ट करना है। यदि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा वी थ्री आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट को पीछे लिखेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास कुछ वाक्य हैं। ही इज ड्राइविंग कार, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका सब्जेक्ट है ये, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कार है, कार को हम आगे लाएंगे, आया कार। हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज को हम किस में परिवर्तन करते हैं आइए देखते हैं। इज एम आर को इज एम आर प्लस बी, तो इज का इज लिखेंगे, उसके साथ बींग लगाएंगे, ये हमारा वर्ब है तो वर्ब का थर्ड रूप ड्राइविंग, ड्राइविंग का ड्राइविंग हो जाएगा। सब्जेक्ट है तो लास्ट में वाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट हिम। ओके, हमारे पास दूसरा वाक्य है, आई हैव सीन द ताजमहल। द ताजमहल, द ताजमहल को आगे लाएंगे, द ताजमहल, इसके साथ हैज या हैव लगेगा आप, तो ताजमहल आपका सिंगुलर है, द ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी, हैज या हैव किस में होगा, हैज हैव प्लस बीन, तो हैज बीन, उसके बाद हमारा थर्ड रूप ऑलरेडी है तो ये सीन हो जाएगा, आई का बाई मी। ओके दोस्तों, हमारे पास एक बड़ा वाक्य है, इसमें पता नहीं चलता है ऑब्जेक्ट किसको माने, फ्लाइंग को माने, रुक को माने, विथ को माने, किसे माने पता ही नहीं चलता दोस्तों। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो आपके पास वाक्य दिया रहेगा उसको आप नंबर लाइन के दे दीजिएगा, 1 2 3 4, तो जो आपके फोर नंबर पे आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो काइट आपका ऑब्जेक्ट है तो काइट, वाज के वाज एवर प्लस बींग, वाज बींग फ्लोन ऑन द, जैसे के हैं वैसे लिख देंगे, ऑन द रूफ विथ हिज फादर। आपके पास एक और वाक्य आए ड्राइव अ कार, इसमें ना डू या डज है, ना ही बाज वेयर है, ना ही जे हमारे, इसे हम कैसे परिवर्तन करेंगे। इस तरह का वाक्य में सिर्फ दो केस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे हम डू डज में मानेंगे और डू डज के अनुसार चेंज करेंगे, इसे हम डू डज के अनुसार चेंज करेंगे इसके अनुसार। और यदि आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको डिड के अनुसार चेंज करेंगे, डिड के अनुसार। तो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अ कार इज ड्राइवन बाई मी, इसका हो जाएगा कार ऑब्जेक्ट है, डू या डज को इज एम आर में, ड्राइव का ड्राइव है बाई आई को मी।